हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोडेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर क्लासिफिकेशन एंड टाइप स्टडी ऑफ हर्डमानिया। जैसा कि आपको याद होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने वेरियस टाइप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, डिटेल में उनकी स्टडी की थी। वैसे ही बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में मेनली हम कोडेट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कोडेट हैं क्या, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो कोडेट्स बेसिकली फाइव कैरेक्टर शो करते हैं, जो या तो उनकी पूरी लाइफ में प्रेजेंट होंगे या लाइफ की किसी एक स्टेज में प्रेजेंट होंगे और हो सकता है दूसरी स्टेज में वो एब्सेंट हो। अगर हम इन कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। बॉडी की डोर्सल साइड पर एक सॉलिड रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम नोटोकोड का नाम देते हैं। ये नोटोकोड स्केलेटन सिस्टम का एक पार्ट है, ये बॉडी को सपोर्ट करती है। ये नोटोकोडल एक शीट से कवर होगी, जिसको हम नाम देंगे नोटोकोडल शीट। ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कोडेट्स का। सेकेंड कैरेक्टर की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो नर्व कोड। जितने भी कोडेट्स हैं उनकी बॉडी के डोर्सल साइड पे एक होलो नर्व कोड प्रेजेंट होती है, जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इस नर्व कोड का एंटीरियर पार्ट थोड़ा डायलेटेड होता है, जिसको हम ब्रेन का नाम देते हैं, और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको हम स्पाइनल कोड का नाम देते हैं। ये नोटोकोड बॉडी में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करती है। जितना भी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है वो नोटोकोड के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। थर्ड कैरेक्टर की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, मींस फेरिंग्स रीजन में गिल्स प्रेजेंट होंगी, रेस्पिरेशन के लिए होंगी, हो सकता है गिल्स थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट हो, और हो सकता है गिल्स लाइफ की किसी एक स्टेज में प्रेजेंट हो और दूसरी स्टेज में एब्सेंट हो। बात करते हैं फोर्थ कैरेक्टर की, तो डैट इज पोस्ट एनल टेल, मींस एनल रीजन के बाद एक टेल प्रेजेंट होगी। ये टेल भी हो सकता है थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट हो या फिर लाइफ की किसी एक स्टेज में प्रेजेंट हो और दूसरी स्टेज में एब्सेंट हो। फिफ्थ कैरेक्टर की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ एंडोस्टाइल और प्रेजेंस ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, ये भी कोडेट का एक कैरेक्टर है। अगर ऑर्गेनिज्म ये सभी कैरेक्टर शो कर रहे हैं, इट मीन्स दे बिलोंग टू फाइलम कोडेट्स। अगर इनमें से कुछ कैरेक्टर शो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, इट मीन्स दे बिलोंग टू हेमिकोडेट। और अगर इनमें से कोई भी कैरेक्टर शो नहीं कर रहे, इट मीन्स दे बिलोंग्स टू नॉन कोडेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। बात करते हैं कोडेट्स की क्लासिफिकेशन की, तो कोडेट्स को हम थ्री सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट है यूरोकोडेट, सेकेंड की बात करें तो सिफेलोकोडेट, और थर्ड की बात करें तो वर्टिब्रेट्स। यूरोकोडेट्स वो ऑर्गेनिज्म, वो कोडेट्स हैं जिनके नोटोकोड सिर्फ टेल रीजन में और वो भी लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होगी, मींस नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वल स्टेज। जैसे ही ये लार्वा अडल्ट में चेंज होगा, ये नोटोकोड लॉस हो जाएगी, एब्सेंस हो जाएगी इसकी। इट मींस द लार्वा डैट ओनली शो कोडेट कैरेक्टर, और जो अडल्ट स्टेज है वो कोडेट के करेक्टर शो नहीं करेगा। इट मीन्स इनके अंदर रेट्रोग्रेसिव मॉर्फोजेनेसिस, मीन्स एडवांस कैरेक्टर लॉस हो रहे हैं। इन यूरोकोडेट्स को हम ट्यूनिकेट के नाम से भी जानते हैं, एसिडियंस के नाम से भी जाना जाता है, ट्यूनिकेट्स के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड, अगर हम बात करें सिफेलोकोडेट्स की, तो ये वो कोडेट्स हैं इन विच नोटोकोड इज प्रेजेंट थ्रू आउट बॉडी थ्रू आउट लाइफ, मीन्स हेड टू टेल, स्टार्टिंग फ्रॉम हेड अप टू टेल नोटोकोड प्रेजेंट होगी, थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होगी, मींस लार्वल स्टेज में भी प्रेजेंट होगी और अडल्ट स्टेज में भी प्रेजेंट होगी। अगर हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, इट मींस दे बिलोंग टू सिफेलोकोडेट्स। बात करते हैं थर्ड कैटेगरी, दैट इज वर्टिब्रेट्स। इट मींस देयर नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय एडवांस फॉर्म, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय एडवांस फॉर्म वर्टिब्रल कॉलम, मीन्स ये वर्टिब्रल कॉलम भी एक स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है, जो बॉडी को सपोर्ट करेगा, बॉडी के अंदर एक स्केलेटन सिस्टम बनाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप स्टडी, जिसमें हमारे पास है टाइप स्टडी ऑफ हर्डमानिया। हमने पहले ही स्टडी किया था, ये
यूरोकोडेट का एक स्पेसिमेन है और यूरोकोडेट के करैक्टर हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, डैट देयर लार्वा स्टेज शो कोडेट करैक्टर। द नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ लार्वा। अडल्ट के अंदर नोटोकोड नहीं होती, इट मीन्स जब लार्वा अडल्ट में चेंज होगा तो इनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगी, एडवांस करैक्टर लॉस होंगे और प्रिमिटिव करैक्टर अपियर होंगे। बात करते हैं हर्डमानिया की, तो ये अगर हम क्लासिफिकेशन देखें देन फाइलम कोडेट, सब फाइलम यूरोकोडेट, क्लास एसिडियसी, आपको पहले भी बताया था इनको एसिडियंस के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्डर की बात करें स्टोलिडोब्रेंचिए, एंड जीनस की बात करें तो हर्डमानिया। देन हम इनके बेसिक करेक्टर, कुछ जनरल करेक्टर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला है दे फाउंड इन शेलो वाटर, मीन्स स्टैंडिंग मैराइन वाटर में ये मिलते हैं। सेकंड, दे आर आल्सो नोन एज सी स्क्विड, इनको सी स्क्विड के नाम से भी जाना जाता है। ये हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है, मीन्स इनके अंदर मेल एज वेल एज फीमेल दोनों ही गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं। इनको मोनोसियस का नाम भी दे सकते हैं, हर्मेफ्रोडाइट का नाम भी दे सकते हैं, मीन्स सिंगल ऑर्गेनिज्म शो बोथ टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल होगी, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, डैट्स वाई डेवलपमेंट इनके अंदर इनडायरेक्ट होगी। साइज की बात करें तो कुछ बहुत बड़ा साइज नहीं होता इनका, अप्रोक्सीमेटली 9 सेंटीमीटर के आसपास लेंथ, 7 सेंटीमीटर इनके ब्रॉड और 4 सेंटीमीटर के आसपास इनकी थिकनेस होती है। कलर की बात करें तो समवट पिंकिश इनका कलर होता है। देन कुछ और जनरल करेक्टर्स की बात करें तो हैबिटेट आपको पहले ही बता दिया है, ये शैलो वाटर के अंदर मेनली सर्वाइव करते हैं, मैराइन वाटर में मेनली सर्वाइव करते हैं, इंडियन ओशियंस में भी मिलते हैं, अदर सीज के अंदर अदर ओशियंस में भी ये मिलते हैं। बॉडी समवट पर्स लाइक है, पिंकिश कलर होता है। बॉडी में दो मेन पार्ट हैं जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, एक को हम बॉडी प्रॉपर का नाम देते हैं और जो लोअर पार्ट है उसको हम फुट का नाम देते हैं। जो फुट है वो इसको सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में हेल्प करेगा। बॉडी में एक थिक लेदरी कवरिंग है जो बॉडी को बाहर से कवर कर रही है। दिस थिक ट्रांसल्यूसेंट लेदरी कवरिंग इज नोन एज टेस्ट और ट्यूनिका, डैट्स वाई इनको ट्यूनिकेट्स का नाम भी देते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्यूनिका दे आर नोन एज ट्यूनिकेट्स। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये समवट जेलेटिनियस मैट्रिक्स से बनी हुई है, इसमें डिफरेंट टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉर्पसल्स प्रेजेंट हैं, देन वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं। इसी टेस्ट और ट्यूनिका में कुछ एक स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, अगर वो साइज में छोटे हैं तो इनको माइक्रोस्क्लेरस पिक्यूल के नाम से जाना जाता है, और साइज में बड़े हैं तो मेगास्क्लेरस पिक्यूल के नाम से भी जाना जाता है। डायग्राम में हमें दिख रहा है कि जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि बॉडी पर दो एलिवेशंस हैं, इनमें से एक एलिवेशन को हम ब्रांचियल साइफन का नाम देते हैं और दूसरी एलिवेशन को हम एट्रियल साइफन का नाम देते हैं। दोनों ही साइफन में एक अपर्चर है विच इज़ बाउंडेड बाय 4 लिप लाइक स्ट्रक्चर। जो अपर्चर ब्रांचियल साइफन में है उसको ब्रांचियल अपर्चर का नाम देते हैं, जो अपर्चर एट्रियल साइफन में है उसको हम एट्रियल अपर्चर का नाम देते हैं। देन बात करें अगर हम इसकी बॉडी वॉल की, तो टेस्ट और ट्यूनिका के जस्ट इनर साइड बॉडी वॉल प्रेजेंट है जिसको मेंटल का नाम भी देते हैं। टेस्ट और ट्यूनिका आउटर कवरिंग है, बॉडी वॉल इनर कवरिंग है, मेंटल के नाम से जानी जाती है। यही वो बॉडी वॉल है जो टेस्ट और ट्यूनिका को सीक्रेट करती है। ये बॉडी वॉल फर्दर 3 लेयर से बनी हुई है जिसमें आउटर एपिडर्मिस, मिडल मेसेनकाइम और इनर एपिडर्मिस। सिलोम इनके अंदर नहीं होता, दीज आर ए सिलोमेट्स, टोटली एबसेंट होता है। एक अनदर स्पेशल कवरिंग और अनदर स्पेशल कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम एट्रियम का नाम देते हैं। क्या डिफरेंस है एट्रियम और सिलोम में? एक्चुअली सिलोम इज लाइंड बाय मेसोडर्म एंड एट्रियम इज लाइंड बाय एक्टोडर्म। तो सिलोम नहीं है, डैट्स वाई ए सिलोमेट्स, बॉडी में एडिशनल कैविटी प्रेजेंट है जिसको हम क्या नाम देते हैं? सिलोम का नाम देते हैं। अब बात करते हैं हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो मेनली 2 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट है एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड कंपोनेंट है डाइजेस्टिव ग्लैंड।
बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल समवट यू शेप्ड है, जो फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में सब डिवाइडेड है, जिसमें सबसे एंटीरियर मोस्ट पार्ट माउथ, देन बक्कल कैविटी, देन फेरिंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये सब एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड, अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड में देखें तो यहाँ पर हमारे पास लीवर प्रेजेंट है, जो वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स रिलीज करेगा फूड डाइजेस्ट करने के लिए, जिसमें अमाइलेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट है। और सेकंड जो ग्लैंड है वो है पाइलोरिक ग्लैंड, जो इंटेस्टाइन में पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये भी फूड डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। हम बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमानिया, इसमें हमने देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट से मिलके बना हुआ है, सबसे पहला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल और जो दूसरा पार्ट है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड। बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, जो फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है माउथ, ये रीजन इसका ब्रांचियल साइफोन है, जिसमें एक अपर्चर प्रेजेंट है, दिस अपर्चर इज नोन एज ब्रांचियल अपर्चर, आल्सो नोन एज माउथ, बाउंडेड बाय फोर लिप लाइक स्ट्रक्चर। ये माउथ ओपन करेगा एक लेटरली कॉम्प्रेस्ड कैविटी, एंड दिस लेटरली कॉम्प्रेस्ड कैविटी इज नोन एज बक्कल कैविटी, आल्सो नोन एज स्टोमोडियम। इस लेटरली कॉम्प्रेस्ड कैविटी के बिल्कुल बेसल रीजन में देखें तो यहाँ पर स्पिंक्टर प्रेजेंट है, दिस स्पिंक्टर इज नोन एज ब्रेंचियल स्पिंक्टर। लोअर साइड पे 64 नंबर ऑफ टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, जो सस्टेनर का काम करते हैं, माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स की एंट्री को अलाउ करेंगे, लार्जर पार्टिकल्स की एंट्री को अलाउ नहीं करेंगे। देन बक्कल कैविटी ओपन करती है एक लार्ज चैम्बर में, एंड दिस लार्ज चैम्बर इज नोन एज फेरिंग्स। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये जो जितना भी पार्ट मैं ड्रा कर रहा हूँ रेड पेन से, ये इसका फेरिंग्स रीजन है। ये फेरिंग्स रीजन फर्दर टू सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, अगर हम देखें तो इसमें ये एंटीरियर स्मॉलर पार्ट अप टू दिस इज नोन एज प्री ब्रेंकियल जोन, और ये पोस्टीरियर लार्जर पार्ट इज नोन एज ब्रेंकियल सैक। स्मॉलर पार्ट प्री ब्रेंकियल जोन, लार्जर पार्ट इज ब्रेंकियल सैक। अगर हम डिमार्केशन देखें तो दोनों पार्ट में एक बैंड्स की फॉर्म में डिमार्केशन है, जिनको हम नाम देते हैं एंटीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड एंड पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड। एंटीरियर बैंड कंप्लीट है, पोस्टीरियर बैंड इनकम्प्लीट है। एंटीरियर बैंड और पोस्टीरियर बैंड दोनों पे सिलिया प्रेजेंट है, बीच में जो ग्रूव है वहाँ पर भी सिलिया प्रेजेंट है। ये सिलिया फिर से सस्टेनर का काम करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स की एंट्री को अलाउ करते हैं, लार्ज पार्टिकल्स की एंट्री को अलाउ नहीं करेंगे। प्री ब्रेंकियल जोन में कोई भी गिल स्लिट्स या किसी गिल अपर्चर नहीं है, और जो हम पोस्टीरियर लार्जर पार्ट की बात करें, इसमें गिल्स प्रेजेंट हैं, स्टिग्मेटा प्रेजेंट हैं, जो रेस्पिरेशन में रोल प्ले करेंगे। मैंने अभी बताया था एंटीरियर बैंड इनकम्प्लीट है, पोस्टीरियर बैंड एंटीरियर बैंड कम्प्लीट है, पोस्टीरियर बैंड इनकम्प्लीट है, क्योंकि पोस्टीरियर बैंड में मिड डोर्सल साइड पे डोर्सल लैमिना प्रेजेंट होता है, और मिड वेंट्रल साइड पे यहाँ पर एंडोस्टाइल प्रेजेंट है, जो आगे म्यूकस क्रिशन का काम करेगी, और उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ सिलिया भी प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं पोस्टीरियर लार्जर चैम्बर की, जिसको हम ब्रेंचियल सैक का नाम देते हैं। अगर हम इस ब्रेंचियल सैक की बात करें तो इसकी दोनों लेटरल वॉल्स पे लगभग 200,000 के आसपास गिल्स प्रेजेंट होती हैं, स्टिग्मेटा प्रेजेंट्स होते हैं, और ये गिल्स फिर से सिलिया से लाइंड होती हैं, जो सिलिया फूड पार्टिकल्स की आउटवर्ड मूवमेंट को स्टॉप करेंगे कि फूड फेरिंग्स के थ्रू एट्रियम में ना जाए। ये जितना भी पार्ट फेरिंग्स की वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जितना भी स्पेस है, ये स्पेस एट्रियम, दिस स्पेस इज नोन एज एट्रियम विच इज लाइंड बाय एक्टोडर्म। हम बात कर रहे थे ब्रेंचियल सैक की, तो इसमें बहुत सारे ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रेजेंट हैं, दीज आर नोन एज गिल बार। कुछ इसमें से ट्रांसवर्स हैं और कुछ इसमें से लॉन्गिट्यूडनल हैं,
इनको गिल बार के नाम से जाना जाता है। ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल बार कुछ इस तरह से अरेंज हैं कि फेरिंग्स में छोटे छोटे चैम्बर्स, छोटे छोटे सेगमेंट्स की प्रेजेंस अपीयर होती है, एंड दीज सेगमेंट्स आर नोन एज स्टिग्मेटिक एरिया। जो छोटे छोटे चैम्बर्स बन गए, इनको हम स्टिग्मेटिक एरिया के नाम से जानते हैं। एंड ईच स्टिग्मेटिक एरिया हैविंग 5 to 6 गिल स्लिट्स, जिनको हम स्टिग्मेटा के नाम से जानते हैं। इस तरह से हर एक चैम्बर में 5 से 6 के आसपास गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे अपर्चर प्रेजेंट होंगे, जो रेस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं। एक ब्रेंचियल बास्केट की तरह अपीयरेंस होगी, डेट्स वाई इसको फेरिंजियल सैक को ब्रेंचियल बास्केट का नाम भी देते हैं। थ्रू आउट ये लेटरल वॉल पे गिल्स प्रेजेंट हैं, ईच स्टिग्मेटिक एरिया हैविंग 5 to 6 गिल स्लिट्स। देन बात करें अगर हम आउटर वॉल इज बॉडी वॉल एंड इनर इज फेरिंजियल वॉल, दोनों के बीच में कुछ एक होलो स्ट्रैंड प्रेजेंट है, एंड दीज होलो स्ट्रैंड्स आर नोन एज ट्रैबिकुले। ये स्ट्रैंड फेरिंजियल वॉल को बॉडी वॉल के साथ अटैच करने में, कनेक्ट करने में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फेरिंग्स की डोर्सल साइड की, तो मैंने पहले बताया था फेरिंग्स की डोर्सल साइड पे डोर्सल लेमिना प्रेजेंट होता है, जिसको हम हाइपर फेरिंजियल बैंड के नाम से भी जानते हैं। ये डोर्सल लेमिना पोस्टीरियर बैंड से शुरू होगा और अप टू ओसोफेगस तक ये एक्सटेंड करेगा। इस बैंड में अगर हम देखें तो बहुत सारी टंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी, जिनको हम लैंग्यूट्स का नाम देते हैं। ये जो मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूँ, ये लैंग्यूट्स टंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये फूड को बैकवर्ड डायरेक्ट करने में, टूवर्ड ओसोफेगस डायरेक्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहीं अगर हम देखें फेरिंग्स की मिड वेंट्रल साइड पे, तो यहाँ पर एक गटर शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस गटर शेप स्ट्रक्चर को हम एंडोस्टाइल का नाम देते हैं। अगर हम इस एंडोस्टाइल को और डिटेल में डिस्कस करें तो यहाँ पर इसकी शेप कुछ इस तरह से है। कुछ इस तरह से हमारे पास एंडोस्टाइल प्रेजेंट होगी, जो इसके वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होगी फेरिंग्स की बॉल के। कुछ इस तरह से इस एंडोस्टाइल में अगर हम देखें तो 4 लेटरल सिलिएटेड ट्रैक, सिलिएटेड पैच एंड 1 मीडियन सिलिएटेड पैच, लाइक दिस 4 लेटरल सिलिएटेड पैच एंड 1 मीडियन सिलिएटेड पैच। आउटसाइड यहाँ पर स्पेशल टाइप के स्पेस प्रेजेंट हैं, जिनको हम जिनको हम ब्लड साइनस का नाम भी देते हैं। जो ब्लड स्पेस या ब्लड साइनस है वो एंडोस्टाइल के आउटर साइड पे प्रेजेंट है कुछ इस तरह से। थ्रू आउट और क्या है इस एंडोस्टाइल में, 4 म्यूकस क्रिएटिंग पैचेस, कुछ म्यूकस क्रिएटिंग ग्लैंड्स हैं, 4 पैचेज की फॉर्म में अरेंज हैं, जिनको हम ग्लैंडुलर एपिथिलियम का नाम भी देते हैं। वो ग्लैंडुलर एपिथिलियम म्यूकस रिलीज करेंगे, जो फूड पार्टिकल को ट्रैप करके फूड बॉल फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है कुछ इस तरह से। दिस इज फर्स्ट ग्लैंडुलर एपिथिलियम, जिसको मैं थोड़ा सा डार्क कलर से शो कर रहा हूँ। सेकेंड ग्लैंडुलर एपिथिलियम, ये थर्ड ग्लैंडुलर एपिथिलियम, फोर्थ ग्लैंडुलर एपिथिलियम, मीन्स 4 लेटरल सिलिएटेड ट्रैक, 1 मीडियन सिलिएटेड ट्रैक एंड 4 ग्लैंडुलर एपिथिलियम, जो कुछ टाइप का म्यूकस रिलीज करेंगे ताकि फूड पार्टिकल्स को आपस में ट्रैप किया जा सके। ये एंडोस्टाइल का स्ट्रक्चर है जो गटर शेप्ड है, जो फेरिंग्स की मिड वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम पोस्टीरियर बैंड अप टू ओसोफेगस। अब इसके बाद हम बात करते हैं ओसोफेगस की, तो जो स्मॉलर पार्ट है दिस वन, फेरिंग्स के जस्ट
बाद शुरू होगा, इसको हम ओइसोफेगस का नाम देते हैं। ये शॉर्ट है, कर्व्ड है, थिक वॉल्ड है। दिस पार्ट इज नोन एज अप टू दिस ओइसोफेगस। ओइसोफेगस आगे ओपन करेगा थिन वॉल्ड वाइडर पार्ट में, जिसको हम नाम देते हैं स्टमक का। तो ये जो पार्ट है दिस वन, दिस इज स्टमक। एंटीरियर कर्व्ड पार्ट इज ओइसोफेगस एंड पोस्टीरियर वाइडर पार्ट इज स्टमक। इसके दोनों एंड पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, जो इसकी ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं, गार्ड करते हैं। और इसी स्टमक की लेटरल साइड पे लीवर, बाइलोब्ड लीवर भी प्रेजेंट है, जो वेरियस टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा ताकि फूड का डाइजेशन किया जा सके। देन अगर हम देखें तो स्टमक ओपन करेगा इंटेस्टाइन में, जो समवट यू शेप्ड इंटेस्टाइन है कुछ इस तरह से, लाइक दिस। अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की, यू शेप्ड है, इसमें बेसिकली टू लिम्ब्स प्रेजेंट है, वन इज डिसेंडिंग लिम्ब एंड सेकंड इज असेंडिंग लिम्ब। देन इंटेस्टाइन दोनों लिम्ब्स के बीच में एक लूप, एक स्पेस अपीयर हो रहा है। इसी स्पेस में एक गोनैड प्रेजेंट है, जिसको हम लेफ्ट गोनैड का नाम देते हैं। देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ लेफ्ट गोनैड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विद इन सिंगल इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं। तो एक्चुअली टू गोनैड्स हैं, मल्टीलोब्ड गोनैड्स, जिसमें से जो लेफ्ट गोनैड है वो इंटेस्टाइनल लिम्ब्स के बीच में प्रेजेंट होता है। देन एंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर रेक्टम प्रेजेंट होगा और सबसे लास्ट में एनल रीजन। तो इस तरह से ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने वेरियस पार्ट डिस्कस करिए, एक बार फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने स्टडी किया था इसका माउथ, जो ओपन करेगा बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी आगे ओपन करेगी फेरिंग्स में, जिसको हमने टू पार्ट्स में सब डिवाइड किया था, जिसमें एंटीरियर पार्ट स्मॉलर है, जिसको प्री ब्रेंचियल जोन का नाम देते हैं, और पोस्टीरियर पार्ट लार्जर है, जिसको हम ब्रेंचियल सैक के नाम से जानते हैं। अगर हम देखें एंटीरियर पार्ट में कोई गिल्स नहीं है, स्मॉलर पार्ट है, और पोस्टीरियर पार्ट में थ्रू आउट लेटरल वॉल्स पर गिल्स या स्टिग्मेटा प्रेजेंट है, जिनका नंबर अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास होता है। उसके बिना हमने इसी ब्रेंचियल सैक में कुछ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल्स बार डिस्कस किए, जिसकी वजह से जो चैम्बर है वो छोटे छोटे एरिया में बट गया, जिसको हमने स्टिग्मेटिक एरिया का नाम दिया। ईच स्टिग्मेटिक एरिया हैविंग 5 to 6 स्टिग्मेटा और गिल्स। देन हमने देखा इसी फेरिंग्स की डोर्सल साइड पे डोर्सल लैमिना प्रेजेंट है, जिसमें टंग लाइक स्ट्रक्चर, जिनको लैंग्यूट्स के नाम से जानते हैं, और वहीं वेंट्रल साइड पर यहाँ पे थ्रू आउट एंडोस्टाइल प्रेजेंट थी, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से थी, जिसमें 4 लेटरल सिलिएटेड पैच, 1 मीडियन सिलिएटेड पैच एंड 4 ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट थे। देन उसके बाद हमने फेरिंग्स के बाद देखा कि इसमें ओइसोफेगस प्रेजेंट है, जो शॉर्ट है, कर्व्ड है। देन वाइडर पार्ट, जिसको स्टमक के नाम से जानते हैं, जिसकी लेटरल साइड पे लीवर पैचेस, लीवर लोब प्रेजेंट हैं। और स्टमक आगे ओपन करेगा इंटेस्टाइन में, जिसमें 2 लिम्ब्स हैं, 1 डिसेंडिंग लिम्ब एंड 1 असेंडिंग लिम्ब। दोनों के बीच में एक लूप, एक स्पेस, जिस स्पेस के अंदर गोनैड प्रेजेंट है, जिसको हम लेफ्ट गोनैड के नाम से जानते हैं। वहीं बात करें हम इसके ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 1 लीवर बाइलोब्ड लीवर विच इज़ प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ स्टमक। एंड जो सेकंड ग्लैंड थी वो है पाइलोरिक ग्लैंड, जो स्टमक और इंटेस्टाइन की वॉल में पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। एक्चुअली ये वेल डिफाइंड ग्लैंड नहीं है, इसके कुछ सेल स्टमक की वॉल में प्रेजेंट हैं और कुछ सेल इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट हैं, जो डायरेक्ट सिक्रीशन को रिलीज करेंगे या तो स्टमक में या इंटेस्टाइन में, और फूड के डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे। बात करते हैं फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी में ये फिल्टर फीडर है, जिसको हम सिलियरी फीडर के नाम से भी जानते हैं,
माउथ ब्रेंचियल अपर्चर के थ्रू जो फूड है वो ब्रेंचियल अपर्चर के थ्रू बॉडी में एंटर करेगा। सबसे पहले फूड मूव करेगा बकल कैविटी में, बकल कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग्स के थ्रू देन ओसोफेगस, स्टमक, फाइनली इंटेस्टाइन। जो भी फूड डाइजेस्ट होगा एब्जॉर्ब होगा और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम एनल रीजन के थ्रू बॉडी कैविटी में पहुंच जाएगा, जिसको हम एट्रियम के नाम से जानते हैं। और एट्रियम के थ्रू वो एट्रियल अपर्चर से होता हुआ बॉडी से बाहर एट्रियल साइफोन के थ्रू। तो इस तरह से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स और वेरियस टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। बात करते हैं इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो हमने देखा था इनके फेरिंग्स में नंबर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं। ये फेरिंग्स की लेटर वॉल पे प्रेजेंट हैं, जिनको स्टिग्मेटा का नाम भी देते हैं। ये गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, ये हाईली वेस्कुलर गिल्स हैं। फेरिंग्स की लेटर वॉल पे अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास गिल्स प्रेजेंट होती हैं। जो वाटर ब्रेंचियल अपर्चर से फेरिंग्स में एंटर करेगा वो फेरिंग्स से गिल्स को वॉश करता हुआ एट्रियम में चला जाएगा। जैसे ही वाटर गिल्स को वॉश करेगा तो जो वाटर में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वो ब्लड में चली जाएगी और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में चली जाएगी। वाटर के साथ CO2 एट्रियम में और एट्रियम से वो एट्रियल अपर्चर के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाएगी। मींस जो गिल्स हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का फंक्शन कर रहे हैं, वो हाईली वेस्कुलर हैं, गैसेस के लिए परमिएबल हैं। वहीं हम बात करें तो इनकी जो टेस्ट और ट्यूनिका, टेस्ट या ट्यूनिका के नाम से जो आउटर मोस्ट कवरिंग थी वो भी एक रेस्पिरेटरी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह फंक्शन करती है। वो भी थोड़ा बहुत गैसेज एक्सचेंज में रोल प्ले करती है, क्योंकि हमने देखा था वो टेस्ट और ट्यूनिका वो भी वेस्कुलर है। उसमें एम्पुले नाम के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते थे जहाँ पर ब्लड प्रेजेंट था। ब्लड की वजह से वो गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करती है, डेट्स वाई वो भी एक एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह हेल्प करती है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया। सबसे पहले हमने कोडेट्स के करेक्टर डिस्कस किए थे, जिसमें हमने देखा था कि कोडेट्स में नोटोकोड, नर्व कोड, फेरिंजियल गिल्स, पोस्ट एनल टेल, एंडोस्टाइल एंड थायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। देन उसके बाद हमने कोडेट्स को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया था, यूरोकोडेट्स, सिफेलोकोडेट्स और वर्टिब्रेट्स। देन हमने हार्डमानिया के बारे में उसके जनरल करेक्टर स्टडी किए थे, उसका हैबिट, हैबिटेट, बॉडी वॉल, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट है। एलिमेंट्री कैनाल के फर्दर पार्ट्स हैं जैसे माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में लीवर एंड और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमने देखा था इसमें लीवर और पाइलोरिक ग्लैंड प्रेजेंट है। देन हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की, जिसमें हमने देखा कि इसमें बहुत सारे गिल्स प्रेजेंट हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है डैट एनलिस्ट वेरियस बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ कोडेट। हमने पहले ही स्टडी किया था कोडेट के 5 मेन कैरेक्टर हैं, जिसमें से सबसे पहला था प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, द सेकंड वन इज प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो नर्व कोड, थर्ड कैरेक्टर की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स, एंड फोर्थ कैरेक्टर की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। ये 4 कोडेट्स के कैरेक्टर हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये 4 कैरेक्टर बताने होंगे। अगर 5th कैरेक्टर की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ एंडोस्टाइल और प्रेजेंस ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, ये भी कोडेट का एक 5th कैरेक्टर या एडवांस कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। सेकंड जो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं वो है डिस्कस द 3 सब फाइलम ऑफ कोडेट्स। हमने देखा था कोडेट्स को हम फर्दर 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला था यूरोकोडेट्स, सेकंड था सिफेलोकोडेट्स और थर्ड था वर्टिब्रेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ कोडेट। हमने डिस्कस किए थे 5 मेन डायग्नोस्टिक फीचर्स थे, जिसमें सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, देन नर्व कोड, उसके बाद
प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल। देन व्हाट इज एंडोस्टाइल एंड गिव इट्स फंक्शन। हमने देखा था फेरिंग्स की वेंट्रल साइड पे एक गटर शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम एंडोस्टाइल के नाम से जानते थे। इसके दो बेसिक फंक्शन है। फर्स्ट तो ये म्यूकस रिलीज करती है जो फूड पार्टिकल को ट्रैप करके फूड बॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ये सेकंड इसमें जो सिलिया प्रेजेंट थे सिलिएटरी ट्रैक वो फूड को डोर्सल साइड कंडक्ट करेंगे टुवर्ड डोर्सल लैमिना जो फूड को बैक साइड कंडक्ट करेगा टुवर्ड ओएसोफेगस और स्टमक। नेक्स्ट व्हाट इज डोर्सल लैमिना एंड गिव इट्स फंक्शन। हमने देखा था फेरिंग्स की डोर्सल साइड पे एक हैंगिंग स्ट्रक्चर है, डेट हैंगिंग फ्रिल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज डोर्सल लैमिना। क्या फंक्शन है इसका? इस पर बहुत सारी टंग लाइक स्ट्रक्चर हैं जिसको लैंग्यूट्स के नाम से जानते हैं जो फूड को बैकवर्ड डायरेक्ट करते हैं, बैकवर्ड कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टेस्टो ट्यूनिका, नेम द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ टेस्टो ट्यूनिका। तो हमने देखा था बॉडी की जो आउटर मोस्ट थिक लेदरी कवरिंग है जिसको हम टेस्टो ट्यूनिका के नाम से जानते हैं। इसमें जो बेसिक कंपोनेंट हमने स्टडी किए थे वो सबसे पहला था जेलेटिनियस मैट्रिक्स, जेल से बना हुआ मैट्रिक्स। दूसरा वेरियस टाइप्स ऑफ कॉर्पसल्स, देन इंटरलैकिंग फाइबर्स, ब्लड वेसल्स एंड कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। नेक्स्ट, ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमने ड्रा किया उसको डिस्कस किया, उसमें वेरियस कंपोनेंट देखे, सबसे पहले माउथ, देन बकल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो आपको भी यही करना होगा, एक वेल लेवल नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रा करना होगा, उसमें सभी पार्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम के इंक्लूडिंग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो शो करने होंगे। देन एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमानिया। ये एक बड़ा ऐसे टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, इसमें आपको डिटेल में डायग्राम के साथ साथ उसका राइटअप भी एक्सप्लेन करना होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम और अदर जो बॉडी सिस्टम है उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक आप जो भी आज आपको कंटेंट करवाया है इसको डिटेल में स्टडी करो, इसको अच्छे से लर्न करो ताकि एग्ज़ाम के लिए आप इसको तैयार कर सको। थैंक यू।